उत्तराखंड शासन के अपर सचिव स्वास्थ्य अरुणेंद्र चौहान ने जिला अस्पताल का निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने जिला अस्पताल में पर्याप्त सफाई रखने तथा जन औषधि केंद्र से ही मरीजों को दवा मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं। बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए अपर सचिव स्वास्थ्य ने बताया कि मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य सचिव के निर्देश पर जिलों का भ्रमण कर अस्पतालों का निरीक्षण किया जा रहा है ताकि स्वास्थ्य सुविधाओं की जमीनी हकीकत का पता चल सके। निरीक्षण के दौरान सीएमओ डॉक्टर सुनीता टमटा ने जिले की स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग से जुड़े विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने भी अपर सचिव से मुलाकात की तथा समस्या युक्त ज्ञापन सौंपे। बैठक में नगरपालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल, ब्लॉक प्रमुख पुष्पा देवी, सीएमएस विनोद टमटा सहित स्वास्थ्य विभाग से जुड़े अधिकारी मौजूद थे। सर, आज हम लोग यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं। लंबे समय से हम लोग एनआरएचएम में काम कर रहे हैं और हम लोग के पास आशा प्रोग्राम, एनआरएचएम में बहुत सारे प्रोग्राम हैं जिसमें एक आशा प्रोग्राम भी है। हमारे एनआरएचएम में वैसे तो सभी लोगों की स्थिति बहुत ख़राब है, बहुत कम पैसे में सब लोग काम कर रहे हैं, जबकि काम की उत्कृष्टता सबको दिखाई दे रही है आने वाले समय में, चाहे कोविड है चाहे जितने भी काम हुए। लेकिन इसमें जो आशा प्रोग्राम है उसमें जितने भी अन्य प्रोग्राम करते हैं उसका समावेश सारे आशा प्रोग्राम में किया गया है। हम लोगों के लिए ये समस्या है कि अगर जितने भी प्रोग्राम का काम करना है होता है उसको फील्ड लेवल पे हमारी आशा फैसिलिटेटर से लेके हम लोगों से समेटना हम ही को उसमें पड़ता है और रिपोर्ट हमें ही देना पड़ती है, जबकि ब्लॉक लेवल पर जब हम देखते हैं तो सबसे कम मानदेय में हम ही लोग काम कर रहे हैं। 2010 में जब हम लोगों ने काम शुरू किया तो हमारा मानदेय सर उसमें हमको 8,000 रुपया दिया जाता था और आज 2023 में हम 10,419 रुपये में काम कर रहे हैं। आप बताइए क्या स्थिति है हमारी। ब्लॉक का परिवेश देखिए, जनसंख्या देखिए, गाँव की स्थिति देखिए, क्षेत्रफल देखिए और दूर दूर फैली हुई एक एक फैसिलिटेटर, एक एक कोऑर्डिनेटर के पास 150-200 के बीच आशाएं। ऐसी विषम परिस्थितियों में काम करना हम लोगों के लिए बहुत कठिन हो गया है। हम बात करते हैं जागरूकता की, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, लोगों का पोषण अच्छा हो, शिक्षा अच्छी हो, लेकिन हम तो अपने बच्चों के लिए कुछ भी इतना कम मानदेय है कि इसमें हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अपने बच्चों के लिए अपने स्वास्थ्य की स्थिति नहीं देख पा रहे हैं तो कम से कम हमारा सचिव महोदय से, हमारे पास इतना भी पैसा नहीं है कि हम बार बार देहरादून जाएँ, बार बार वहाँ जाके विरोध करें, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा काम विरोध करना नहीं, हमारा काम काम में सहयोग करना है और साथ अपनी समस्याओं का समाधान जो हमारे उच्च लेवल के अधिकारी हैं उनसे मिलकर उनको बताने कि हमारी समस्याओं के समाधान के लिए वो लोग काम करें। तो आज हम उन लोग सचिव महोदय से यही कहना चाहते हैं कि आप हमारा काम देखिए कि आपने सभी लोगों को काम दिया, लेकिन आशा प्रोग्राम में आपने जितना ब्लॉक लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हमारे DO हैं पूरे जिले का काम समेट रहे हैं, 9,000 सैलरी मिल रही है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एक पद रखा हुआ है जिला समन्वयक का जिसकी सैलरी 12,000 या 13,000 रुपये। हम ब्लॉक लेवल पर हमारा पद है ब्लॉक समन्वयक का, लेकिन 9,419 रुपये में हम लोग काम कर रहे हैं। तो कम से कम हमारा मानदेय बढ़ाया जाए। हम काम करने के लिए विरोध कभी नहीं जताना चाहते हैं, हमेशा हम सहयोग करेंगे। हमारी मुख्य समस्या ये है कि हमारा केवल हमको 400 रुपये पर डे के हिसाब से मिलता है। 20 दिन का हमसे काम लिया, वैसे तो हम 30 दिन का काम करते हैं, केवल 20 दिन की हमको मानदेय मिलता है। हमारा तो मुख्य ये है कि हमारा 20 दिन का, जब हमसे 30 दिन का काम लिया जा रहा है तो हमको पूरे 30 दिन का हमको मानदेय मिलना चाहिए। केवल 400 रुपये हमारा मानदेय है एक विजिट पर। आपको बताया है, हमारी फैसिलिटेटर हैं 40-40 के करीब पहुंच गई हैं हमारी आशाएं हमारे पास। हमारे क्षेत्र में इतना दुर्गम क्षेत्र है, हमको बुकिंग करके वहां जाना पड़ता है, वहां हमको उनके स्वास्थ्य सुविधाएं हमको इस ढंग से पहुंचानी पड़ती है, तो हम बहुत परेशान हैं। हमारा मुख्य यही है कि हमको 20 दिन का हमारा विजिट है, विजिट का हमको सीधे हमको 30 दिन का मानदेय मिलना चाहिए और 20 दिन का हमारा काम के, हमको ना छुट्टियाँ मिलती हैं ना कुछ, और हमको काम 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 इतना काम दे दिया है, चारों तरफ से काम ही से वो हो गए हैं और पैसा हमको केवल 400 रुपये। सर आप ही बताइए, 400 रुपये हमको विजिट मिलता है और इतना दूर लंबा हमारा क्षेत्र है। मैं सचिव साहब से यही कहना चाहती हूँ कि हमें कोविड के तहत इतना काम लिया जा रहा है, हमको कोविड का कोई प्रोत्साहन राशि नहीं दिया जा रहा है और यहाँ हम डिस्ट्रिक्ट में आते हैं डिलीवरी लेके आते हैं, हमारे वहाँ रहने की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है हमको, ताकि स्वास्थ्य यहाँ आशा घर दिया जाए और हमको फिक्स एक मानदेय दिया जाए। रात दिन हम काम करते हैं, हमारा कोई मानदेय नहीं है, प्रोत्साहन राशि कहते हैं, ये प्रोत्साहन राशि भी हमको टाइम से नहीं दिया जा रहा है और ऑनलाइन काम करने के लिए बोल रहे हैं, हमें ना कोई फोन दिया गया है। कई जिलों, कई डिस्ट्रिक्टों में फ़ोन मिल गया है, बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में अभी तक फ़ोन नहीं दिए गए हैं। सरकार बोल रही है ऑनलाइन काम करो, ऑनलाइन काम करो, इसलिए हम आशाओं के पास कोई फ़ोन नहीं है ना, हमको हमारे पास ना फ़ोन लेने के लिए ना हमें इतना प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी के निर्देश से कि जो वरिष्ठ अधिकारी शासन में बैठे हैं
वो एक एक जिले में जाए और जिले में जाके जरा स्वास्थ्य सुविधाओं की क्या स्थिति है उसको धरातल पे देखें और चिकित्सालयों में की क्या इनकी अपनी प्रॉब्लम्स क्या हैं, यहाँ पर मैन पावर की क्या स्थिति है, तो उसके ग्राउंड रियलिटी का असेसमेंट हो तो उसी परिप्रेक्ष्य में आज की विजिट है। यहाँ जिला अस्पताल में बहुत सारी खामियाँ हैं सर, यहाँ चैम्बर नहीं है, कमरे नहीं है, समस्या वो भी बताया CMS साहब ने बताया, CMO मैम ने बताया है, मैंने इसको अब विजिट किया है जो जितनी फैसिलिटी यहाँ पर है और जिस क्योंकि पहले CSC हुआ करती थी, यही डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में अपग्रेड हुआ है, तो मैंने इनसे बात की है कि जो प्रस्ताव गए हैं बिल्डिंग्स के लिए तो उस पर भी CMO ऑफिस में मैं जाऊँगा, यहाँ से रिव्यू करेंगे और उसके बाद इस बात को रखेंगे कि यहाँ वास्तव में जगह की कमी है और इसके एक्सपेंशन की आवश्यकता है। अच्छा, उपनल कर्मी से 2 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, उनका बार बार आश्वासन मिल रहा है लेकिन उनको ज्वाइनिंग नहीं मिल रही है, तो कब तक इनको ज्वाइनिंग मिल पाएगी? नहीं, उपनल कर्मियों के बारे में अभी चर्चा हुई थी, अभी वो बाहर है, उनसे बात भी होगी। उपनल कर्मियों के बारे में एक समिति बनी है, शायद अगर मुझे याद है शायद मंत्रिमंडल की उप समिति बनी थी और उसका निर्णय होना था, अभी शायद उसमें कोई निर्णय नहीं हुआ है क्योंकि उच्च स्तर पर ये चीज़ विचार उसमें है, तो जो भी निर्णय होगा वो सबके लिए लागू होगा। उसमें बहुत सारी महिलाएं भी हैं सर, वो आशा फैसिलिटेटर हैं, ANM कर्मचारी हैं, उनकी भी बड़ी समस्याएं हैं, वो भी ज्ञापन लगे आपकी उससे मिलेंगी अभी? बिल्कुल, उनकी जो भी चीज़ें हैं वो NHM, क्योंकि आशा फैसिलिटेटर को NHM देखते हैं, तो NHM को हम लोग डिस्कस करेंगे क्या इनका। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब किसी भी बिल्डिंग में आप आते हैं तो एक यूज़र एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी है और उसी में मेकशिफ्ट अरेंजमेंट किए गए हैं, तो जो आजकल के नॉर्म्स के हिसाब से हैं उस तरह से तो नहीं है, और उसी लिए चूँकि स्पेस की कमी है और ये टुकड़े टुकड़े में शायद इसको अपग्रेड किया गया है, तो जिस तरह से एक सीमलेस यूज़र एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो वो मुझे लगा कि उसमें कुछ हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। CCN News के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, बागेश्वर।